तकसीम करने नेमतें, रमजान आ गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं अजीजुल हसन रिजवान गोलखपुर से मुशीराबाद। आज जो लॉकडाउन चल रहा है, जहां पर गरीब गुरबा बहुत परेशान है, ये लॉकडाउन के हुकूमत की वजह से जो गरीब गुरबा खाना नहीं खा सक रहे, परेशानी में काम पे नहीं जा सक रहे, ऐसों के लिए एक मसीहा के रूप में हमारे टॉलीवुड प्रेसिडेंट टाइगर सुल्तान यानी तौफीक खान साहब ने एक ऐसे जिम्मेदारी उठाई और उन्होंने खाओ में मिल्लत बिना मतलब के, बिना कोई अपने मुफाद के, उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि 24 मार्च से अभी तक भी जो है वो गरीबों की मदद करते आ रहे हैं। और आज गोलखपुर की सरजमीन पर इन्होंने बहुत सारा पैकेट तकसीम किया और मुझे खुशी है कि अल्लाह ताला जब गरीब गुरबों पे अगर कोई मुसीबत आती है तो फरिश्तों को भेजते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि तौफीक खान एक फरिश्ते के रूप में इन गरीबों के लिए दुनिया में आए हैं। अल्लाह ताला, मैं दुआ करता हूँ कि इनके वालिदैन की मगफिरत अता करे और इनकी बख्शिश अता करे और इनकी सेहतयाबी और इनकी पूरी फैमिली को अल्लाह ताला हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूहानी व जिस्मानी ताकत अता करे। मेरी दुआ है कि इनको दुनिया की, जमीन की और आसमान की तमाम बलाओं से महफूज रखे, अल्लाह इन्हें सेहतयाब रखे। इन गरीबों की दुआ इन रमजान के महीने में लोग इस तरह से दिए हैं रो रो कर कि अल्लाह ताला, मैं उन आंसुओं के खतरे में ये दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला इनको हर मुसीबत से महफूज रखे। बहुत खुशी होती है कि हमारे एक इंडस्ट्री के जो दक्कन इंडस्ट्री, हैदराबादी इंडस्ट्री है, इसमें एक ही स्टार है और वो गरीबों के मसीहा के तौर पर वो तौफीक खान है और वही एक दक्कन इंडस्ट्री के पूरे फिल्मों के, यानी अगर कोई मसीहा के रूप में जाने जाते हैं तो तौफीक खान जाने जाते हैं और वही तकसीम कर रहे हैं। दूसरे अभी देखने में नहीं आया, बहुत सारे लोग जो पैसा रख रहे हैं वो भी तकसीम कर रहे हैं, मगर इनकी जो खिदमत है, इन्हें कोई वोट का नहीं है, इन्हें कोई पैसे का मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, मगर गरीबों की आंसू नहीं देखे, गरीबों की भूख नहीं देखे, उन्हें तड़पता हुआ नहीं देखे, वो उन्हें घर घर जाकर तकसीम करते जा रहे हैं। मैं सलाम करता हूँ ऐसे खान को और सलाम करता हूँ अगर बॉलीवुड हो या हैदराबाद का हो, मगर ऐसे खान सर जमीन पर अगर होंगे तो गुरबत इस दुनिया से चले जाएगी। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि इनकी हर चीज महफूज रहे और इनके कारोबार में खैर बरकत रहे। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज। जय तेलंगाना। ए कौम तू दे मिल के अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। ए कौम तू दे मिल के अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। ऐ कौम तुझे मिल के अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। जिस देश को अंग्रेज के पंजे से छुड़ाया, उस देश की मसनद पे लुटेरों को बिठाया, क्यों खून शहीदा का सिला हमने गंवाया। साहिल पे लगी बेड़ी को तूफान में उतारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। ऐ कौम तुझे मिल के अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। मासूम लहू देता है रो रो के दुहाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूँ खान और टाइगर सुल्तान। आज रिजवान भाई से रात में मेरी बात हुई थी कि रिजवान भाई भी जो है ना गुलाम मुस्तफ़ा सोसाइटी चलाते हैं। रिजवान भाई 4-5 साल से काफ़ी खिदमत करते हैं रिजवान भाई। तो रात में मैं रिजवान भाई को फ़ोन करा कि रिजवान भाई, मैं 10-15 हज़ार जो कमाते हैं मेरे भाई, मैं उन लोगों का जो है ना मैं खर्च कर रहा हूँ। अगर वैसे लोग अगर गोरखपुर में है तो रिजवान भाई आप अपनी जिम्मेदारी पर मेहरबानी करके यहाँ पर जो है ना लेके आइए। अपन उनको, मेरी रिश्तेदार छोटी, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं जो दिया उन लोग जो है ना अगर कबूल करते तो मेरे लेके आए। मेरी खुशनसीब भी है रिजवान भाई गोरखपुर के मेरे भाइयों को, मेरे नौजवान भाइयों को यहाँ पर लेके आए और जो है ना मैं उन लोग का लेके
भूलो नहीं, बल्कि मेरे ऊपर में एहसान करें जो लेके गए, मैं उनका जो है ना मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि रिजवान भाई बोले, फरिश्ते की सिफत किसी में नहीं आती, हम मुसलमान हैं और कुछ भी ये नहीं होता, बस ये एक चीज़ है कि ये आखिरत का फ़ायदा है, हमारी फैमिली को उसकी दुआएं लगती, मेरे माँ बाप की मगफिरत हो जाती। मेरा ये काम है, मैं वाकई ही मैं किसी की आस में नहीं गया और ना ही मैं किसी को तनकीद कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैं जो है ना भोलकपुर में गया था, कुछ लोग मुझे बुलाए थे, भोलकपुर में मैं गया तो यहाँ पर गरीब जो एरिया है वहाँ के जिम्मेदारान जो है मैं उनसे कॉन्टेक्ट करके मैं कर रहा हूँ और मैं सलाम करता हूँ मेरे गुलामी मुस्तफ़ा सोसाइटी के मेरे सभी मेम्बर को मैं सलाम करता हूँ कि आज मेरे को ला के दिल खुश कर दिए। मैं कल जैसा बोला था वैसा ही मैं पाया और जो है ना शुक्रिया अल्लाह। तकसीम करने नेमतें, रमजान आ गया।